नमस्ते मित्रों, मैं हूँ साक्षी पठानिया और मेरे चैनल काउच पोटैटो में आप सबका स्वागत है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आई एम श्योर आप सभी हिमाचली धाम को जरूर मिस कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना धाम का, मतलब धाम से रिलेटेड कुछ खाना बनाया जाए। घर पे बहुत दिन हो गए थे, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ धाम को। तो आज हम बनाने लगे हैं मदरा और माँ चने की दाल। तो मित्रों चलो मेरे किचन में आज मैं आपको बताऊंगी मदरे की रेसिपी। here we go again, trying hard but you wanna be my friend। तो गाइस मदरा जो है हिमाचल की ऑथेंटिक डिश है और बहुत फेमस, मतलब बहुत मेरा तो फेवरेट है मदरा। आप लोग भी मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आपको धाम में से क्या क्या पसंद है। तो मेरा फेवरेट मदरा है, इसलिए आज मैं मदरा बनाने लगी हूँ। तो मदरा जो है वैसे तो चंबा का है फेमस, वहाँ पे राजमा का बनाते हैं। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजों का बनता है, राजमा का बनता है, चनों का बनता है, वाइट चनों का बनता है और रोंगी का भी बनता है। तो मेरी दादी का फेवरेट है वाइट चनों का मदरा, तो हम वही बनाएंगे और ये दादी की ही रेसिपी है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए और आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप सब भी छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखें, बार बार अपने हैंड वॉश करते रहो 20 सेकंड्स के लिए साबुन से अच्छे से, कुछ भी खाने से पहले या खाने की किसी चीज को हाथ लगाने से पहले, बाहर से आ रहे हो उसके बाद अच्छे से हाथ धो लो अपना। तो अभी आते हैं हम मदरे पे। तो मैंने ये जो है वाइट चने ये ओवरनाइट सोक करके रखे हैं और अभी हम इनको रखेंगे बॉइल करने के लिए। तो इसको हम डाल देंगे इसमें, कुकर में रखना है इसको। विसल तो अम्मा कितनी विसल लगवाई, तो 30 मिनट्स के लिए रखना है इसमें, विसल का हिसाब नहीं है, टाइम का है, 30 मिनट्स तक आपने रखना है इसको। तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं कुकर में। साथ में मेरी दादी माँ यहीं बैठे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये दादी स्पेशल रेसिपी है। तो अम्मा पानी कितना डाल, इतना इनफ है, ठीक है। तो गाइस आप लोग ओवरनाइट सोक करके उसी पानी को, और जिसमें जिस पानी में आपने चने सोक किए हैं पहले अच्छे से वॉश करके, फिर वही सेम आप कुकर में डाल सकते हो और हाँ, तो आप लोग किसी चीज का भी बना सकते हैं, रोंगली राजमा, तो मैं चनों का बना रही हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे नमक और हल्दी। तो नमक आप लोग स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं पूछ लेती हूँ अम्मा इतना डालू, देखो और डालो। तो इसमें हमने डाला है अभी बस खाली हल्दी और नमक, और अब गैस ऑन करके इसको हम लोग टाइम देख लेंगे, पूरे 30 मिनट्स के लिए रखना है हमने। तो जब तक ये बनता है 30 मिनट्स के लिए, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो चने हमारे हो गए 30 मिनट्स के बाद, मैंने निकाल के रख लिए हैं, अभी हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे क्या क्या स्टेप्स करने हैं। बाकी जो जो हमें चीजें चाहिए वो मैंने यहाँ रख ली है। इसमें डलेगा काजू, डलेंगे थोड़े से नारियल, डलेगा किशमिश और ये एक बोल भर के दही, दही बहुत ज्यादा लगेगा, और साथ में गरम मसाला और घी। तो घी का मैंने पूरा डोलू ही रख लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घी डलता है। तो अभी दादी साथ साथ में मेरे को बताते रहेंगे और मैं वही फॉलो कर रही हूँ स्टेप्स। तो कितना डालना है, तो अभी पहले हमने एक पतीला लेना है और ध्यान रखें जो पतीला है वो मोटे बेस का हो, और उसमें फिर हम डालेंगे एक कड़छी घी। सूखा धनिया बीज ना, और अभी ये तीन हमने सूखी लाल मिर्चे ली है, इनको छोटा छोटा काटना है। छोटा कैसे से, गोल गोल, अच्छा दो टुकड़े।
गाइस हमने लेना है ये धनिया कितना एक चम्मच। तो गाइस एक स्पून से ज्यादा धनिया लेना और इसको हाथ से थोड़ा पीस लेके बस धनिया और साथ में मिर्ची डाल देंगे हम घी में। तो हम इसके बाद वेट करेंगे रेड होने का। अभी धनिया एकदम रेड हो चुका है, इसमें अब हम हींग डालेंगे। अब चने, तो हींग डाल के हम चने डाल देंगे इसमें। तो गाइस मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, चने जब बॉईल हो जाएंगे उसके बाद हमने एक मोटा पैन लेना है, उसमें देसी घी डालना है थोड़ा। जब देसी घी गर्म हो जाएगा उसको फुल रखना है। उसके बाद दो तीन सूखी लाल मिर्च टेस्ट कर दो। तो उसके बाद सूखी लाल मिर्चें दो तीन और साबुत धनिया लेंगे, जो धनिया सीड्स होते हैं वो लेंगे। उसको हाथ से थोड़ा क्रश करके धनिया और लाल मिर्च घी में डाल के जैसे धनिया लाल हो जाएगा हमने चने डाल देने हैं उसमें। और चनों को हिलाना नहीं है, उनका जो पानी है वो सूखने देना। और गैस हमने फुल रखी है अभी, तो वेट करते हैं चने के सूखने का। सो गाइस तब तक एक साइड पे मैंने चावल भी रख दिए ताकि सब कुछ फटाफट बन जाए। और दाल हमारी माँ चने की दाल ऑलरेडी बनी हुई है, तो बस अभी मद्रा बनना है और चावल। तो आज हम घर पे ही लेंगे धाम का मजा। ध्यान रखना है कि चने ना टूटे, तो इसको एकदम आस्ते आस्ते हिलाना है। ये मैंने ले ली एक चम्मच देगी मिर्च, अभी ये इसमें डाल दूंगी। तो देगी मिर्च डाल के आप देखिए कैसा बहुत अच्छा कलर आ गया एकदम रेड। तभी हम इसमें डाल रहे हैं ये काजू, आप हैंडफुल काजू डाल सकते हो। इसके बाद हम इसमें ये नारियल, ऑलरेडी मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है तो इसमें हम ये नारियल डाल देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट ये किशमिश। और इसको साथ में मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला और डालेंगे दो चम्मच, डाल सकते हैं ना? तो दो चम्मच और घी डालेंगे। तो गाइस आप देखिए बहुत ही अच्छा इसका जो कलर है वो आ रहा है। तो अब हम दही फेंटेंगे और अभी इसके बाद जो स्टेज है वो एकदम क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे जब फर्स्ट टाइम ट्राई करो, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बट एक्सपर्ट यू नो एक्सपर्ट हेल्प के साथ। तो मेरी दादी क्योंकि एकदम एक्सपर्ट है बनाने में, तो उनकी हेल्प से बना रही हूँ मैं। तो होता क्या है जब हम दही डालते हैं तो काफी चांसेस रहते हैं दही फटने के, तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ उसमें थोड़ी सी मैं दादी की हेल्प लूंगी। तो अब हम डालेंगे, ध्यान रखना है कि हम हिलाते रहे मद्रा और साथ साथ में दही पूरा ही डाल दो एकदम से। तो एक मिनट के लिए इसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ में मतलब यहाँ पे दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक जो दही डाले और एक जो मद्रे को कंटिन्यूसली हिलाता रहे। तो भाई इसको अभी हिलाते रहना हमने और एक ही साइड को हिलाना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है। वैसे मुझे आलू वाला मद्रा भी अच्छा लगता है, इसमें चने और आलू का आलू भी डाल सकते हैं। आलू डाल है ना, कोई नहीं अभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो आलू डाल लेंगे। तो क्योंकि जो धाम में बनता है उसमें डालते हैं आलू, वो बहुत स्वाद लगता है। तो भाई जब तक ये पकेगा नहीं, मतलब इसमें जब तक थोड़ा उबाला आने नहीं शुरू होता और इसका जो घी है ये घी छोड़ना नहीं शुरू करता, तब तक हमने इसको हिलाते रहना है। तो हमारा मद्रा एकदम रेडी है, मैंने इसको मतलब टेबल पे सजा दिया अच्छे से, रेडी टू बी सर्व्ड। और साथ में है काली दाल, ये है काली मतलब माँ चनों की दाल बोलते हैं यहाँ तो लोकल, बहुत ये भी मेरी फेवरेट दाल है बचपन से ये वाली। वैसे तो जो धाम में बनती है वो होती है तेलिया माँ, तो उसको बोलते हैं तेलिया माँ, उसमें चने की दाल मिक्स नहीं होती बट हमने ये बनाई है। और ये है सैलेड, साथ में है राइस। दादी को सर्व करके फिर दादी से पूछते हैं कैसा बना है, क्योंकि दादी माँ की ही रेसिपी है जो मैंने बनाई है दादी की हेल्प से।
सो लेट अस आस्क द लेडी कि दादी को कैसा लगता है, क्योंकि होता है ना अपनी रेसिपी किसी और के हाथ से खा के फिर थोड़ा मतलब डिफरेंस लगता है या क्या जो भी है, तो पूछते हैं। अम्मा बताओ खा के कैसे बने। चलो वहां से तो सिग्नल आ गया कि अच्छे बने हैं। बहुत ही बढ़िया लंच हो गया, पूरी धाम वाली फीलिंग आई मद्रा और काली माँ चने की दाल खा के, बहुत मजा आया। बस मीठे चावलों की कमी थी, तो अब फिर किसी दिन बनाएंगे हम लोग, तो मीठे चावल भी जरूर बनाएंगे और खट्टा। होप आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप भी ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका मद्रा कैसा बना। और बाकी स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव पीपल। सो बाय बाय।